नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कामयाबी का टीका। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण यानी कि हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल है। यहां अब तक 75% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लग चुके हैं। तेलंगाना दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। टीकाकरण को लेकर उठे तमाम सवालों, भय और भ्रम फैलाने की कोशिश के बाद भी मिली एक कामयाबी हौसला बढ़ाने वाली है। मध्य प्रदेश को कैसे मिली है कामयाबी और इसमें आगे क्या है चुनौतियां, इन्हीं तमाम मसलों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। चुके कर्मचारियों को ही टीके लगेंगे और जो स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने नहीं आएंगे उन्हें बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद अगले चरण में 6 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने हैं। नगर निगम, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी, पुलिसकर्मी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल हैं। अभी तक करीब 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स चिन्हित किए गए हैं जिनका वैक्सीनेशन अब होना है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की नई खेप एमपी को मिलेगी। फरवरी के अंत तक सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लग जाएंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होगा जिसमें गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 50 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की कुछ झलकियां आप देख रहे हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि इस अभियान में कैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साह दिखाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उत्साह में दिखाई दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मी। कितना ही भ्रम, कितना ही डर, कितना ही बरगलाने की कोशिश, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरह से हम आगे आए, हमने हिम्मत दिखाई, कोरोना को हमने मात देने की कोशिश की, वो कोशिशें, वो उम्मीदें साकार होती हुई दिख रही हैं। वैक्सीनेशन का डोज हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी आगे आए उन्होंने ये बताया कि देश में बना वैक्सीन, उससे कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये
न किसी पार्टी विशेष की वैक्सीन है, न ही किसी राजनेता या राजनीतिक दल से जुड़ी हुई वैक्सीन है। ये देश की वैक्सीन है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। तो तमाम भ्रम, तमाम डर, ये सब को दूर रखते हुए, इसे ताक पे रखते हुए हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने सिद्ध किया कि हमारे देश के वैज्ञानिकों पर उन्हें भरोसा और वैक्सीन पर उन्हें भरोसा है। संतोष शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, टीकाकरण अधिकारी हैं आप, खासतौर पर इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले संतोष शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नमस्कार संतोष शुक्ला जी, आज जो हमने खबर सुनी मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में, खुशी तो बहुत है सर, लेकिन इसके पीछे की जो तस्वीरें हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से भ्रम फैलाने की, डर फैलाने की भी कोशिश, भले ही हम राजनेताओं की भी बात करें, कई तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन बावजूद उसके स्वास्थ्य कर्मियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और विश्वास दिखाया कि उन्हें देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है और वो वैक्सीन लगवाने आगे भी आए। अव्वल दर्जे पर हम दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसको लेकर। देखिए हम लोग के स्थित विभाग में कहीं भी कोई प्रकार का भ्रम नहीं था, सब लोग जागरूक हैं और सबने अपनी सेवाएं कोविड महामारी नियंत्रण में दी हैं, तो उन्होंने देखा है बीमारी की विषमताओं को, देखा हैगा उसकी विभीषिका को, देखा है उससे मौतों को, देखा हैगा, तो ये कहना गलत होगा कि वो भ्रम के थे। कुछ कारण विशेष थे जिसके कारण आपको लग रहा था कि नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये था कि हमारा जो सिस्टम बनाया गया था टीकाकरण का, उसमें हम लोग को गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाना था, शिशुवती महिलाओं को नहीं लगाना था, गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती उनको नहीं लगाना था, या गंभीर एलर्जी से पीड़ित हैं, तो वो उसके कारण हमें लगा कि काफी कम हो रहा है। मगर उसके बाद जब हम लोग 3 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैंगे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, और जो सभी का एकदम से जो कुछ दुविधाजनक स्थिति में थे उनकी मानसिकता में परिवर्तन हुआ और हमारे को सपोर्ट किया पूरे प्रोग्राम को। बिल्कुल 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी, और उनमें से अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगवाने बाकी हैं। ये भी कहा जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका पोर्टल पे नाम है, उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे उन्हें नहीं लगाया जाएगा। क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है। अब आगे हम देखते हैं सर, नेक्स्ट लाइन जो है यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्हें भी टीके लगाए जाने हैं, तो किस तरह से उसकी तैयारियां हैं, उतनी हम खेप देख रहे हैं कि हम बाकी लोगों को भी टीके लगा पाएंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का जब डाटाबेस बना था तो उसमें जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य विभाग की थी जी। अब जो हमारे 8 डिफरेंट विभागों को जोड़ा गया है, मिनिस्ट्रीज को, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने अमले का डाटा तैयार करके स्वास्थ्य विभाग को दें और हम लोग अपनी टीकाकरण की व्यवस्थाओं को समुचित ढंग से संचालित करें। बिल्कुल संतोष शुक्ला जी, ये तो हमने स्वास्थ्य कर्मियों का एक एग्जाम्पल दिया, और उसके अलावा हम देख रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जो मिनिस्ट्री इस मामले में हैंडल करेगी, उन्हें तमाम लोगों को टीके लगवाने का जिम्मा उठाना होगा, यूं कहें कि उन्हें लिस्ट इशू करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। अब ऐसे में हम आम जनता की बात करें, क्योंकि हमारे देश की भोली भाली जनता, हम देखते हैं कई बार नेताजी गए, हाथ जोड़ा, वोट मांगे, आ गए, वो ये भी नहीं देखते हैं कि इनके कामकाज क्या है क्या नहीं है। हालांकि राजनीतिक थोड़ा सा प्रश्न हो गया, लेकिन भोली भाली जनता को ये समझाना कि कोई डर नहीं हमारी वैक्सीनेशन में, स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवा कर सिद्ध किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इस सोपेश में हैं कि क्या वैक्सीन से मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, क्या मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक केस ऐसा सामने आया जिसके बाद ये भी साफ हो गया कि उसकी जो भी स्थिति बनी वो वैक्सीनेशन से नहीं बनी। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या कोई जागरूकता वाले अभियान है या कोई और तैयारी? देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 36 लाख पूरे देश में टीकाकरण हो चुका है कोविड का, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी की मौत या किसी को गंभीर प्रॉब्लम हुआ है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल उदाहरण है। 3 लाख हमारे विभाग के द्वारा जो टीकाकरण किया गया उसमें प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हैं, वैक्सीन सुरक्षित है, असरकारी है, उपयोगी है और हानि रहित है, तो इसलिए कोई भ्रम की स्थिति होती नहीं है। अशिक्षित हो सकते हैं मगर अज्ञानी नहीं है हमारी जनता।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अशिक्षित हो चुके हो सकते हैं लेकिन अज्ञानी नहीं है हमारी देश की जनता। कम से कम जिस तरह से उन्हें बहलाने फुसलाने या डराने भ्रम की कोशिश जो भी की जा रही हो, लेकिन उसके आगे बढ़कर भी हम देश के युवाओं को, देश की जनता को देख रहे हैं। अब एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि इस टीके के बाद भी एक और टीका लगना जरूरी होगा, इसके पीछे की क्या स्थिति है सर? नहीं, जो नीतिगत फैसले लिए गए थे हर टीके का, आप देखते हैं अगर बच्चों को भी टीके लगाते हैं तो एक टीका तो सिर्फ बीसीजी एक ही बार लगता है, पेंटावेलेंट 3 बार लगता है, तो सबके अपना विधि विधान हैगा। कोविड को 2 बार लगाना है 28 दिन के अंतराल में, तो हमारा जो 5 तारीख को प्रथम डोज कंप्लीट जब हो जाएगा तो स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज 28वां दिन हमारा हो रहा है 14 तारीख, उससे फिर दूसरा डोज चालू हो जाएगा। बिल्कुल, और उसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने वाली तारीख है, क्या वो क्रैश तो नहीं कर रही, आसपास ही है, या कोई तैयारियां इस मामले में आपकी? हाँ, भारत शासन से प्राप्त दिनांक के अनुसार अब 8 तारीख से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण प्रारंभ होगा। बिल्कुल, ऐसे में तैयारियां पूरी, और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद की स्टेज क्या है सर? इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जिन्हें टीका लगेगा, या फिर उसके बाद जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगा? नहीं, पहले हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर का जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे 50 साल से अधिक उम्र के हमारे जो भी लोग हैं, हमारे नागरिक, सबको लगेगा। चलिए संतोष शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां अनादि टीवी के दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। तो देखिए, वैक्सीनेशन जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी, पहले तक ये भी कहा कि प्रधानमंत्री भी टीका लगवाएं, मोदी जी भी टीका लगवाएं और सीएम शिवराज भी टीका लगवाएं। आपको याद है हम यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो नहीं लगवाऊंगा टीका, लेकिन अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, और हालांकि उसके बाद उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया था, लेकिन अब जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो अपनी पिछली बातों से पलटेंगे, कहेंगे कि हाँ वो गलत कह दिया था। क्या किसी भी दवाई को, किसी भी वैक्सीनेशन को, किसी भी इंजेक्शन को, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, आपकी किसी भी बीमारी को ठीक करने वाली है, वो क्या किसी पार्टी की हो जाएगी, या वो किसी राजनीतिक दल की हो जाएगी, या किसी राजनीतिक राजनेताओं के द्वारा बनाई हुई हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये तमाम भ्रम जो उस वक्त फैलाए जा रहे थे, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कॉमेंट्स हुए थे, आपको याद होगा सज्जन सिंह वर्मा साहब, लेकिन तमाम कमेंट्स को दरकिनार करते हुए, उन तमाम बातों को ताक पर रखते हुए हमारे स्वास्थ्यकर्मी आगे आए, और देखिए टॉप पर मध्य प्रदेश है, अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश वैक्सीन लगवाने के मामले में। स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे हैं वो सभी आगे आए, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी लगवाते जा रहे हैं। इसके बाद 28 दिनों के बाद एक बार फिर से इसका नेक्स्ट टीका, नेक्स्ट इंजेक्शन लगवाना होगा, नेक्स्ट टीका लगवाना होगा, वैक्सीन लगवाना होगा, और हम इसी के साथ देखेंगे कि फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं हमारे, उन्हें भी इसके बाद टीका लगने शुरू हो जाएंगे, वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हमने ये भी नोटिस किया कि जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित थे या किसी तरह का उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर था, उन्हें ज़्यादा कोरोना ने परेशान किया। डॉक्टर अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, नोडल अधिकारी हैं आप। डॉक्टर अमित, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद, थैंक यू, बताइए मैम। डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, और खासतौर पर जो अच्छी खबर आज हमें सुनने को मिली कि मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में, और खासतौर पर जब स्वास्थ्य कर्मियों की बात हो रही हो, आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में और पिछली चुनौतियां जो वैक्सीनेशन लगवाने से पहले फेस की गई होंगी? मैम देखिए, शुरुआत में काफी ज्यादा झिझक थी लोगों में, जब हम पहले दिन जब 16 जनवरी को जब लॉन्चिंग हुआ था वैक्सीनेशन का पूरे इंडिया में, और अपने यहाँ पर भी उसी दिन जब लॉन्च हुआ तो बहुत कम साइट्स मिली थी, लेकिन हमारे जो खुद जो लोअर स्टाफ है वो भी काफी डरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में सारे सीएमएचओज ने आगे आकर के और जो भी टीम लीडर्स थे उनने सबने वैक्सीनेट हुए, और उनके वैक्सीनेशन के बाद में फिर बाकी लोगों का वैक्सीनेशन के ऊपर विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे आज की स्थिति यह है कि आज जो मॉपअप राउंड चल रहा है तो आप सुबह से कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं कि सर हमारा वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, हम रजिस्टर नहीं हो पाए थे। तो ये एक तरीके से लोगों का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का भी विश्वास इस पर बहुत ज्यादा बना, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने उसमें वैक्सीनेट कराने में सफल हुए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा, जिसमें भोपाल स्तर से जब राज्य स्तर से ये निर्देश दिए गए कि भाई टीम लीडर के रूप में सीएमएचओ सबसे पहले अपना वैक्सीनेट कराएंगे, आरजेडीज अपने वैक्सीनेट कराएंगे, तो इससे जो लोअर स्टाफ
लगा रहे हैं और सबसे आगे आकर के लगवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ एमपी का जो स्ट्रेटजी रहा कि भाई हम सबसे पहले जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उन लोग लगाएंगे और इससे बाकी का जो स्टाफ का जो विश्वास है वो बढ़ने से हम इस लेवल पर पहुंच पाए। बिल्कुल, हम तमाम उन स्वास्थ्य कर्मियों का को थैंक यू बोलना चाहेंगे, धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो आ गया है जिसके बाद हम हमारे जो देश में, जो मध्य प्रदेश में जो लोगों के बीच में डर पैदा हो रहा था या भ्रम की स्थिति बन रही थी उसे दूर करने में हम कामयाब हो सके। अब आगे किस तरह से वैक्सीनेशंस के शेड्यूल होंगे सर, आगे किस किस को लगाया जाएगा और आपको लगता है कि आगे आने वाले लोगों में, क्योंकि ये तो स्वास्थ्यकर्मी थे, इन्होंने खुद इन तमाम परिस्थितियों को देखा है कि जो कोरोना से जूझ रहे थे, जो कोरोना को से लड़ रहे थे, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इन्हें समझाने में हम सब कामयाब हो गए, लेकिन आने वाले समय में और भी लोग हैं जिन्हें समझाना भी चुनौती होगी सर। बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी मैडम। बेसिकली अभी पूरे स्टेट में, चूंकि अब अपन पूरे इंडिया में नंबर वन पे हैं वैक्सीनेशन में, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और हम इस चीज के लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी प्लान की गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्ट्रेटजी प्लान की गई उसका काफी सफल क्रियान्वयन एमपी में हुआ है। और दूसरा, अब जो दूसरे लोग जिनका वैक्सीनेशन होना है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स वो हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी कंधे से कंधा मिला के हमें अन्य चीजों में उन्होंने सहयोग प्रदान किया, वो भी डे फर्स्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उतनी ही मेहनत उन्होंने भी की है, उतनी ही मुश्किलों का सामना उन्होंने किया है और उतना ही डेडिकेशन उनके द्वारा दिया गया है। तो वहाँ उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और कमोबेश आप ये देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हमारा राजस्व विभाग हो गया, नगरी निकाय हो गया, पंचायती राज हो गया, ये इन सब के ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने दिन रात उन्होंने भी पूरी मेहनत करी है। तो निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ कि हम इसमें भी काफी हद तक सफल होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे इसमें भी। बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है सर कि स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा हम फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 इयर्स अबव के लोग और उसके बाद जो आम लोग हैं, आप और हम सभी की बारी आ जाएगी सर, और सभी को कंधे से कंधा मिलाते हुए इस बीमारी को मात देने के लिए आगे आना होगा। और जब तक एक एक कोई भी ना छूटे, सभी को वैक्सीनेशन नहीं लग जाती, तब तक हमें बचकर ही रहना होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि भले ही वैक्सीनेशन है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जरूरत क्या? वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी पूर्णता बरतने की जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनने में काफी समय लगेगा और तब तक के एहतियात के तौर पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बराबर करते रहना चाहिए और इसी अभी यही सबसे बड़ा हथियार है। यही हमारे तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम एक संदेश सभी को देना चाहते हैं कि इन तीनों चीजों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, कोविड नोडल अधिकारी हैं आप, और उन्होंने देखिए कितने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि लड़ना तो हमें है, फाइट तो हमें करना है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हम पहले उन्हें इसलिए रख रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो सबसे ज़्यादा आगे उन्हें ही आना पड़ रहा था। आपकी देखभाल करने वाले कौन? स्वास्थ्यकर्मी। हॉस्पिटल में रहने वाले कौन? स्वास्थ्यकर्मी। आपको अगर किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स हैं तो कोई उनके पास नहीं आता, भले ही पीपीई किट पहनकर भी पूरी हिम्मत दिखाते उन स्वास्थ्यकर्मियों को ही आपके पास आना पड़ रहा था। तो जाहिर है सरकार ने पहले स्वास्थ्यकर्मियों को प्रायोरिटी दी, अब हम यानी मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, देश का दिल मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है और इसका पूरा श्रेय नो डाउट जाता है मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को, क्योंकि उनकी ही स्ट्रैटेजी थी जिस तरह से उन्होंने CMHOs को सबसे पहले कहा कि वो इस वैक्सीनेशन को लगवाएं, उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स के लोग अलग अलग लोगों को जोड़कर, स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़कर जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे उन सभी को जोड़कर उन सभी को वैक्सीनेशन लगवाना, अब हम सबसे पहले नंबर पर हैं इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में। और अभी भी लोग बाकी हैं, उन्हें भी जल्द ही वैक्सीनेशन लग जाएगा, उसके बाद हम फ्रंटलाइन वर्कर्स के की ओर देखेंगे, उनकी भी बारी आएगी। 50 ईयर्स अबोव के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन लगेगा, सभी को वैक्सीनेशन लगेगा और तब हम मात दे पाएंगे कोरोना को, क्योंकि कितना हमने सहा है इस कोरोना पीरियड में। लॉकडाउन रहा, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, उसके अलावा भी कितनी समस्याएं, हमने अपनों को खोया, हॉस्पिटल में दर्द झेलती तस्वीरें देखी, कोई बच्चों को भी हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अकेले कमरे में रखना पड़ रहा था क्योंकि उनमें भी कोविड के सिम्टम्स थे। तो इस तरह की दर्दनाक, दर्द भरी तस्वीरें हमने देखी। उसके बाद जब बारी आई
कि हम वैक्सीनेशन का डोज देकर इस कोरोना को भगा सकते हैं, तो सबसे पहले भ्रम फैलाने के बाद, डराने के बाद, तमाम तरह की अजीबोगरीब बयानबाजी देने के बाद जिसका कोई तर्क नहीं था, आगे आए हमारे स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्यकर्मियों को आगे लाना भी बड़ी चुनौती थी सर। वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से डराया जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद तरह तरह के सिम्टम्स बॉडी में दिख रहे हैं या उसका रिएक्शन हो रहा है या मौत हो रही है, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी आगे आए, उन्होंने टीका लगवाया, आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अगले टीके के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे ही हमें भी आगे जब हमारी बारी आएगी तो हमें भी वैक्सीन लगवानी होगी और लगवाकर ये साबित करना होगा कि देश की एकता, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने स्ट्रैटेजी के तहत कोरोना को मात देने की कोशिश की उसमें हम विजय हुए, लेकिन उसमें सभी का साथ चाहिए होगा। और इसी के साथ देखिए कोरोना का जो समय है अब धीरे धीरे हम उससे उभरते हुए नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं है, सभी चीज़ें सामान्य हो गई हैं, लेकिन वैक्सीन भी है हमारे साथ जिससे हम कोरोना से तो बच ही सकते हैं। उसके बावजूद जब तक एक एक को कोई भी ना छूटे, सभी को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, दोनों डोज नहीं लग जाते, तब तक हमें थोड़ी सी सावधानियां जरूर रखनी है। देखिए सब कुछ तो खुल गया है ना, आप खाने के लिए जा सकते हैं, आप मार्केट जा सकते हैं, आप स्विमिंग पूल्स जा सकते हैं, आप सिनेमा जा सकते हैं, हर चीज़ वैसी की वैसी हो गई जो लॉकडाउन के पहले थी। बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग करें ताकि जिस राह पर हम चल दिए हैं, जिस जंग को फतेह हमें करना है, हम उसे फतेह कर पाएं, कोई चूक ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप